हेलो एवरीवन, देखिए आज हम आपके लिए लाए हैं बेसन के लड्डू। सभी के घर में बेसन के लड्डू बनते हैं गाइस, लेकिन इसमें छोटी छोटी टिप्स के साथ मैं आपको बेसन के लड्डू बताने वाली हूँ। और दिवाली पे हम लोग गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं गाइस, तो हमने सबसे पहले बेसन के लड्डू प्रिपेयर करे हैं। और आप भी अपने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बेसन के लड्डू प्रिपेयर कीजिए और अपने गणेश जी को प्रसन्न कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नई नई रेसिपीज देखने के लिए। तो चलिए गाइज हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक मेजरमेंट ले लिया हम लोगों ने, एक कप का मेजरमेंट है ये, ठीक है। इससे हमको बेसन लेना है 2 कप। आपको आप जितना बनाना चाहे उतना बना के एक कप का मेजरमेंट लेके बनाइएगा पूरी तरीके से। ये देखिए 1 कप, इसको बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना है कि दबाना नहीं है आपको, ठीक है। ये मेजरमेंट लिया है 1 कप, ये हो गया है। 2 कप हम बेसन लेंगे बेसन के लड्डू बनाने के लिए। दो कप बेसन में 1 कप आपको घी की जरूरत लगेगी। इसको मेल्ट करके यूज करिएगा गाइज। ये हमने आधा कप लिया है अभी और आधा कप बाद में यूज करेंगे। आधे आधा अभी डालेंगे और आधा बाद में। ये देखिए इस तरीके से डाल दीजिए और गैस को स्लो फ्लेम पे पकने दीजिए। और आप पहले से आप घी नहीं डालिएगा, घी डाल देंगे पहले से तो वो जल जाएगा बेसन उसके अंदर। घी को ऊपर से यूज करिएगा और इस तरीके से इसको मिक्स करते जाइएगा। देखिए गाइस इस तरीके से हिलाते जाएंगे, इसमें थोड़े से ये बॉल जैसे बन जाएंगे घी के। ये पूरी तरीके से खत्म होने चाहिए गाइस। इसको हिलाते रहेंगे इस तरीके से, छोड़ना नहीं है आपको। धीरे धीरे करके इसको ब्राउन होने तक अच्छे से सेकेंगे और थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ा घी और ऐड करेंगे। जो हमने आधा आधा कप यूज किया था, आधा और यूज करेंगे इसके अंदर। इस स्टेज पे आके हम थोड़ा घी और इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। और घी को मेल्ट करके यूज करिएगा गाइज, नहीं तो घी ज्यादा कम हो जाएगा, तो इससे नापने में भी आपको इजी रहेगा। तो घी को मेल्ट करने के बाद आप यूज करिएगा। देखिए गाइज इसको 20 से 25 मिनट हो गए हैं मुझे हिलाते हुए मिक्स करते हुए। और ये देखिए पूरी तरीके से इस तरीके का टेक्सचर आ जाएगा इसका। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग इलायची डाल देंगे। ये देखिए हमने 3 इलायची कूट के डाली है इसके अंदर। और ये देखिए इसमें कलर लाने के लिए हम थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे इसके अंदर, जिससे इसकी इसका जो कलर होगा बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए पूरी तरीके से ये मिक्स हो चुका है और इसको बहुत ज्यादा भी पकाना नहीं है, हल्दी बस पक जाए इसलिए थोड़ा सा इसको हिलाएंगे हम लोग। उसके बाद ये देखिए थोड़े से इसमें पानी के छींटे देंगे। पानी मतलब आप 2 चम्मच ले लीजिएगा, 2 से 3 चम्मच, और इस तरीके से छींटे देंगे तो ये दरदरा सा बनेगा। जो बेसन बेसन का लड्डू आता है दरदरा टाइप, वो इसलिए आता है। ये छोटी सी टिप्स है, इसका आप यूज करिएगा, बहुत ही यमी लड्डू बनने वाले हैं आपके, जिससे ये दरदरा हो जाएगा पूरी तरीके से। ये देखिए पक चुका है। अब इसको एक थाली के अंदर इस तरीके से निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर तगार, मतलब लड्डू के लिए अलग से एक शक्कर आती है, वो किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगी इजीली। इस तरीके से आप इसको निकाल लीजिए और इसको अच्छे से फैला लीजिए ठंडा होने के लिए। अच्छा ठंडा हमको इतना भी नहीं करना है कि बिल्कुल इसमें से बिल्कुल ठंडा हो जाए, हाथ लगाने जितना ठंडा हो जाए तब तक का हमको वेट करना है। उससे पहले आप शक्कर नहीं मिलाइएगा इसमें, नहीं तो पूरे गीले गीले लड्डू बनेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप फैला लीजिए चौड़े बर्तन में तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये इस तरीके से हम लोगों ने फैला लिया है ठंडा कर। देखिए ये हाथ लगाने जितना ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर इसी नाप से हमने 2 कप बेसन लिया था, इसी नाप से हम 2 कप तगार लेंगे। ये देखिए 1 कप हो गया। ये 2 कप तगा लेने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसके अंदर।
से पूरा मिक्स हो जाए इस तरीके से। देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब छोटे छोटे बॉल लेके पहले अच्छे से पुश करना है इस तरीके से और बांधते जाना है। हाथ थोड़े मैसी होंगे पर थोड़ा सा टाइट करके, ये देखिए देखिए लड्डू पूरे मार्केट जैसे बन चुके हैं और पूरे दरदरे बने हैं गाइस। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा के हम आपको सर्व करके दिखाते हैं।